मुकम्मल किया जाएगा और महफूज माँ एम्बुलेंस सर्विस देहात में खवातीन के लिए मुख्तस की जाएगी। ज़राए के मुताबिक माओं की जान बचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस बरवक्त बुनियादी हेल्थ यूनिट तक पहुँचाएगी और वज़ीरे आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से महफूज माँ एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला, इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे अदनान शेख से। अदनान, पंजाब हुकूमत का एक अहसन इकदाम है, महफूज माँ एम्बुलेंस किन किन इलाकों के लिए मुख्तस की जाएगी? जी बिल्कुल, अब माओं की जिंदगियां भी महफूज होंगी। पंजाब हुकूमत ने गंगाराम हॉस्पिटल के आते में बच्चे की पैदाइश के बाद महफूज माँ एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा बनाया है और शहबाज शरीफ के अहकाम पर महफूज माँ एम्बुलेंस का मंसूबा जो है वो 9 माह में मुकम्मल होगा। महफूज माँ एम्बुलेंस सर्विस का जो इब्तदा है वो जुलाई की 1 तारीख को किया जाएगा, जबकि महफूज माँ एम्बुलेंस सर्विस खसूसी तौर पर देहातों में खवातीन के लिए जो है वो मुख्तस की जाएंगी, जबकि माओं की जान बचाने के लिए ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस बर वक्त माओ को बेसिक हेल्थ यूनिट तक पहुंचाएगी और ताकि माओ की जो जिंदगियां हैं उनको बचाया जा सके और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1034 डायल करके 24 घंटे महफूज माओ एम्बुलेंस जो है वो सर्विस फराम की जाएगी और ये पंजाब के तकरीबन तमाम जो है वो इलाकों में जो है फराम की जाएगी। जी सही।